बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। क्या क्या कहना क्या चाहते हो सर? यहाँ पर क्या लिखा है, बचेंगे तो और भी, क्या मतलब है? रिजल्ट आपका कैसा भी लगा हो, जो लोग पास हुए हैं अच्छे मार्क से हो, एवरेज मार्क से हो, जिनको जितने चाहिए उतने मार्क्स मिले उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनका बैक रह चुका है, कोई एक सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो, कोई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके इतने बैक रह गए कि वाईडी हो गए होंगे, मतलब अगले साल में एडमिशन नहीं मिल सकता। अब अगले साल में एडमिशन कब नहीं मिल सकता, वो क्राइटेरिया क्या होता है, वो आप ढूंढ सकते हो। किसी मैकेनिकल या कम ब्रांच के ऊपर डिपेंड है, टोटल सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं उसके ऊपर है। आपको ये ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपकी कॉलेज में इधर उधर, मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कॉलेज में जाओ, वहां पर जो भी फैकल्टी है एडमिन में जो रहेगा उनको, जो भी सर है मैडम है, उनसे जाके वार्तालाप कीजिए, बताइए मेरा ऐसा ऐसा है, क्या मुझे अगले सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है क्या। बराबर, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको लगता होगा मेरा ये सब्जेक्ट तो मैंने अच्छे मार्क लिखा था लेकिन मुझे मार्क्स कम मिले हैं, तो वो रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी जो होता है उसके लिए आपने अप्लाई किया होगा या फिर करने वाले हैं, आई डोंट नो डेट्स खत्म हो गई है नहीं है। कई बच्चे का अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, आप अपने तरीके, आप खुद जानते हो आपने पेपर कैसे लिखा है, कोई और नहीं जानता है, तो आपको इवेल्युएट करना है। अगर आपको पता है यार मैंने लिखा ही नहीं था तो मेरा बैक रहे, मुझे पहले से ही पता था बैक रहेगा, तो रिवैल्युएशन फोटोकॉपी वगैरह मंगाने का कोई मतलब उसमें सेंस नहीं बनता है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा निकलना चाहिए था, कुछ गलती हुआ है, तभी वो कीजिए, ठीक है, वरना ये पैसे आपके बर्बाद करने में कोई हर्ज नहीं। इससे अच्छा क्या कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। अब मैंने एक वीडियो बनाया था अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स जो है, एप्लीकेशन में अपने डाउन अपलोड कर दिया है, काफी बच्चों ने एक्सेस पढ़ा ही चालू कर दिया ऑलरेडी, अप्लाइड मैथमेटिक्स का, ये वाली बात कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का MSBT डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट है, M2 आप बोलते हो उसको, ऑल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, सारे ब्रांचेस की। तो बच्चों ने कोर्स में एनरोल करके पढ़ाई शुरू किया है, अभी भी जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स का, अगर जिनको लगता है मुझे अगली बार अगले सेमेस्टर में भी उसका एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैकलॉग है, मेरा नहीं निकल सकता, मेरा मतलब निकला नहीं है, रिवेल में भी नहीं निकल सकता, तो वो लोग एक्सेस करके अभी से, अभी कॉलेज शुरू होने में टाइम है आपका, तो तब तक टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा तो कुछ चीजें मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूँ, जितना भी आपके पास समय है ना कॉलेज शुरू होने तक, वो पूरा यूटिलाइज करेंगे हम। तो अभी के लिए ये कोर्स एक्सेस करके पढ़ाई शुरू करो, बराबर, एक 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 टॉपिक, अभी छह काफी टाइम है ना, दिसंबर में एग्जाम हुए, बराबर, तो काफी टाइम है, तो अच्छे से करेंगे हम। अब करेंगे तो स्कोर करेंगे, मान लीजिए अब आपका बैक रह गया है M2 या M1 कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अब स्कोर करेंगे अगली बार। तो स्कोर करने के लिए आपको जैसे मैंने उसे वहां पे बोला है उतना ही करना है कोर्स में, और आराम से धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। वो आप एक्सेस कर, उसमें सब कुछ बताया मैंने कैसे करना है क्या है, तो अभी टाइम है। तो ये दोनों से, अगर किसी का बेसिक मैथमेटिक्स भी बैक है, बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का M1 हम उसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स भी बैक रह गया हो, वैसे होना नहीं चाहिए काफी सारे बच्चों का, लेकिन जितने भी बच्चे, या फिर ऐसे भी बच्चे कुछ होंगे जो सेकंड ईयर में थे लेकिन उनका मैथ्स बैक रह गया है, इसलिए वो थर्ड सेमेस्टर में या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बैक अगर कोई भी एक भी सब्जेक्ट है तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपका वो बराबर क्रिटिकल, आपका ईयर डाउन वहां पर हो जाता है, वो वाले बच्चे कोई भी हो, बराबर, तो या फिर नए बच्चों कुछ एडमिशन ले रहे हैं, नए बच्चे फर्स्ट ईयर में, वो भी एक्सेस कर सकते हो, उनके लिए भी यही है, बराबर। तो क्या कीजिए आप, ये दो कोर्स अभी के लिए अपलोडेड है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया है तो, काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी किया है, और अगर आपका जो भी सब्जेक्ट बैक है वो एनरोल कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, या फिर दोनों भी बैक है तो दोनों में एनरोल कर दीजिए, बराबर। ये कोर्स आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा एग्जाम के दिन तक, मान लीजिए आपने बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स लिया है, तो वो तब तक पढ़ोगे आप
आपको कुछ नहीं करना है, एक बार एक्सेस कर लेना है, फीस एक बार ही भरना है, बाद में कुछ नहीं। और बहुत कम फीस में मैंने अवेलेबल हमेशा के लिए, आपको पता है मैं फीस इतनी रखता हूँ कि दुनिया में कहीं पे नहीं होता है उतना कम फीस में, चेक कर लो आप, ठीक है। और उतना क्वालिटी कंटेंट कहीं पे नहीं मिलता, मैं खुद को बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, या आपने लोगों ने ही बोला है वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो एग्जाम आज है, मान लीजिए एग्जाम के दिन तक, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आपको बताया सेमेस्टर एग्जाम जो होगा आपका फाइनल एग्जाम अप्लाइड मैथमेटिक्स का, उस दिन एग्जाम के एंड तक आपको वो कोर्स रहेगा आपके पास और आप बिंदास होके पढ़ सकते। सेम फॉर बेसिक मैथमेटिक्स भी, लास्ट पेपर जब बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेमेस्टर फाइनल एग्जाम होगा तब तक रहेगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, बराबर, एक ही टाइम उसको कर लो आपके पास हमेशा, और टाइम टेबल अच्छे से बनाओ आप, पढ़ाई करो, बराबर, जो काम करना है अभी के लिए वही करना है, बाकी काम करने के लिए तो उसके लिए भी, मान लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं मोबाइल पे स्क्रॉल करते बैठते हैं, वैसे घंटों बीत जाते हैं उनको पता नहीं चलता। अगर आपको वो एडिक्शन है तो उसके लिए एक टाइम अलग से दीजिए। मैं दिन में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उतना ही टाइम मोबाइल देखूंगा, जो भी है, पूरा बंद नहीं कर सकते तो एक टाइम टेबल उसके लिए भी दी, आधा घंटा मैं करूंगा टाइम पास मोबाइल पे, या फिर जो कोई भी आपका टाइम पास है, खेलना है, खेलना वैसे टाइम पास नहीं होता, खेलना अच्छा होता है, खेलना मतलब मैं आउटडोर गेम्स बोल रहा हूँ, घर में बैठ के नहीं है, तो वो भी आपके लाइफ का ही रूटीन है, वो पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल वगैरह ये अननेसेसरी, वो गलत बात है, वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उसके लिए एक तो बंद कीजिए, कर सकते हो तो, नहीं देख उसके लिए टाइम स्लॉट अलग से, वो छोड़ के मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, टाइम पास नहीं करूंगा। हाँ, मोबाइल पे अगर ये पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, टाइम पास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो कूपन कोड है, अप्लाई कीजिए, ये वाला KHRIT करा था, आपको 50% आई थिंक आपको जितना भी है वो डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा, और पहले 100 बच्चों के लिए हो, तो दोनों जिनको दोनों कोर्स एक्सेस करने हो दोनों कर सकते हो, दोनों का टाइम टेबल बनाइए, और एक कॉलेज शुरू होने तक ज़्यादा पढ़ाई आप कर सकते हो, बराबर, और रिवाइज करते रहना, एक चैप्टर करो फिर दूसरा करो फिर पहले थोड़ा रिवाइज करते रहना, मतलब एक बार अभी किया जोश में 15 दिन बैक रह गए अभी, और बाद में कॉलेज शुरू हुआ फिर टाइम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको टाइम टेबल टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे चीज़ें, बराबर। टाइम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि कुछ बच्चे भी सोच रहे हैं बहुत टाइम है सर एग्जाम को अभी से क्या करना है, ऐसा मत सोचो, बराबर, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच सकते हैं। तो डोंट वरी, एप्लीकेशन को चेकआउट करते रहना है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस आने वाले हैं एप्लीकेशन में आपके लिए, मैं बनाऊंगा, बराबर, जो आपको सिर्फ आपके एजुकेशन में ही नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ, बराबर। तो जैसे आता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप भी एप्लीकेशन में एक्टिव रहना है, चेकआउट करते रहो, यूट्यूब पे एक्टिव रहो, और आपका एजुकेशन डिप्लोमा हो उसके बाद डिग्री हो, डिग्री में भी मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, उसके बाद मैं करियर में भी आपके साथ हूँ, बराबर, तो डोंट वरी, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, बराबर। तो बढ़ते हैं आगे, और पढ़ाई शुरू करो फिर से एक बार, जो हुआ भूल जाओ, बैक एक है दो है डोंट वरी, जो भी परस आपकी सिचुएशन है, कोई YD रहेगा, कोई किसी के दो बैक होंगे, कोई ऑल क्लियर होगा, कोई टॉपर होगा, किसी को लग रहा होगा यार मुझसे होगा या नहीं, नहीं, आपने डिसीजन लिया है, आप खुद से पूछो क्या मैंने मेहनत किया था अच्छे से, अगर अंदर से जवाब झूठ मतलब नहीं आता है, क्योंकि आप खुद से जवाब जब देते हो ना खुद को तब ज़्यादातर झूठ नहीं आता है, राइट, खुद को झूठ, तो अंदर से अगर आ रहा है यार मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं किया, तो फिर जो हुआ फॉरगेट इट, उसे सीखो और आगे बढ़ो, बराबर। एक एग्जाम आपकी जिंदगी करियर पूरा आपकी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन जो हुआ उसे सीखना जरूर है, नहीं सीखोगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर बर्बाद हो जाएंगे, बराबर। तो वही आगे बढ़ता है जो गलतियों से सीखता है, तो सीखो और आगे बढ़ो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम सब लोग जानते हैं, बराबर। तो फिर से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, इस बार अच्छे से प्लान करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे,
ठीक है, तो मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।